नमस्कार, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं है, हम विधायक सांसद नहीं है, मुखिया सरपंच भी नहीं है। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। हमारे बाबूजी यहाँ डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। जो काम हम पहले करते थे, जैसे आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास दवा लिखवाने के लिए। डॉक्टर साहब आपसे फीस लेते हैं 500,000 रुपया। तो जिसको आप देश में बड़ा नेता जानते हैं, बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनको जब चुनाव लड़ना होता है तो लोग हमारे पास आते हैं सलाह लेने के लिए। और हमारा फीस 500,000 रुपया नहीं है, 5 लाख 10 लाख भी नहीं, 5-10 करोड़ भी नहीं। हमारा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। इतना पैसा लेते हैं तब आपको सलाह देते हैं। लेकिन 2 बरस पहले उस काम को हमने छोड़ दिया। अब आप कहिएगा, ये भैया जिस काम में इतना पैसा मिलता था, इतना नाम सुविधा था, उस काम को काहे छोड़े? काम को इसलिए छोड़े कि बड़े बड़े दल और नेताओं के साथ रहकर ये देखा, नेताओं और दलों के जीतने से जनता नहीं जीतती है। आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारे जात वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आपका और आपके बच्चों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने ये तय किया कि अगर ये भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है, जिसका हाथ पकड़ते हैं, जिसको सलाह देते हैं, वही चुनाव जीत जाता है। तो नेताओं और दलों को तो बहुत जिता लिए। एक बार जाकर अपने राज्य में वो प्रयास करते हैं, जनता का हाथ पकड़ते हैं, ताकि आप सब जीते। इसीलिए यहाँ आकर दल नहीं बनाए, 14 महीना से पैदल चल रहे, 4,000 से ज्यादा गाँव से पैदल चल के आज आपके यहाँ पहुंचे। वोट नहीं मांगते। लोग पूछ रहा है, भैया वोट मांगिए नहीं रहे हैं तो ये सुधरेगा कैसे? मेरे भाई, वोट मांगने वाला तो आपके पास इतना दिन में कई लोग आया, जो आया वो यही बताया, हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। यही सुन सुनकर आप 40-50 बरिस तक कांग्रेस को वोट दिए, फिर 15 बरिस लालू जी को जिताए, 18 बरिस से आपने नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाया है। दिल्ली में हम लोग मोदी जी को भी बैठा कर देख लिए। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। अब अगर प्रशांत किशोर आए हैं हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम धोखा नहीं करें? जीतने के बाद हम भी धोखा कर सकते हैं, इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। आपको वो रास्ता अभी बताएंगे, अगले 15-20 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट चाहे जिसको देना है दे दीजिए, लेकिन 3-4 वर्षों में आपके बच्चों के लिए और कुछ हो या ना हो, रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था हो जाएगा। और रास्ता बताने के लिए भाषण नहीं देंगे, आपसे ही सवाल पूछेंगे, आप सवाल का जवाब दीजिएगा, हाँ चाहे ना बोलिएगा, और आपके आपके सामने यही दिखेगा कि आगे आपके जीवन सुधरने का रास्ता क्या है। जवाब सबको देना पड़ेगा, सवाल का जवाब हाँ ना नहीं दीजिएगा तो ना बुझाएगा। यहाँ आप इतने लोग आए हैं, सब लोग जरा सोच के बताइए, हाँ चाहे ना बोलना है हाथ उठाकर, सब लोग सोच के बताइए, आपके गाँव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम नहीं बोले, हाथ नीचे कर लीजिए, हम नहीं बोले हैं। अभी आपने देखा आपके गांव में सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो और जो अनपढ़ हैं, कोई इसमें अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई बुजुर्ग, कोई युवा, सब आदमी कह रहा है कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इतनी समझदारी सब में है, किसी नेता और दल का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि अगर आपका बाल बच्चा पढ़ जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई मुखिया कोई विधायक हो, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। जितना आप समझदार लोग यहाँ आए हैं, सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए कैसे पूरा समझदारों का गांव चुप बैठा, किसी का दम नहीं है कि बोल दे कि भैया पढ़ाई के लिए वोट दिए। ये आपके दुर्दशा का पहला कारण है। आपको मालूम है कि आपके बच्चे अगर पढ़ लिख जाए तो उससे उसका जीवन सुधरेगा, लेकिन आपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। आपको मालूम है यहाँ फैक्ट्री खुल जाए तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आपने कभी फैक्ट्री के लिए वोट नहीं दिया। तो अगर आप पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं देते हैं तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होकर कहेगा इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हम आपको बताते हैं इसका गारंटी है, वोट चाहे जिसको भी दे दीजिए, हमारी बात पर भरोसा नहीं है। तो अभी आपसे दूसरा सवाल पूछेंगे और आपके आपके सामने से पर्दा हटेगा, आपको पता चलेगा कि आपके बच्चों को रोजगार और पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी सोचकर बताइए, अभी तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया, उस दल ने, उस नेता ने आपका काम किया कि नहीं किया? सबको बताना है भैया, हाथ उठाकर, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, हाथ नीचे कर लीजिए। सब आदमी यहाँ कहा है, हर आदमी कहा है कि भैया हम लोग जिसको भी वोट दिए हम लोगों का काम नहीं हुआ। अब अभी हम आपको याद दिलाते हैं कि आपने किस बात पर वोट दिया है, वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है। अब अगर सही बोले
तो सबको जोर से हाँ बोलना है, अगर गलत लगे तो तुरंत ना बोलिएगा जोर से। यहाँ बिहार में आपके गांव पंचायत में भी घर घर से लोगों ने, हम लोगों ने 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने नीतीश कुमार को कई लोगों ने वोट दिया बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए, पर नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आया चाहे 6000, भरे भरे बिजली का आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए, आपके गांव पंचायत में स्कूल अस्पताल फैक्ट्री बने चाहे न बने, अयोध्या में बड़ा राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा? आपने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो चाहे 1200, भरे घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को, बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे या न करे, जात का बात और जात का गिनती दोनों पूरा बिहार में भरे भरे हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर, लोग कहता है कि भैया सांसद विधायक को नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर दिए हैं। तो सांसद विधायक 5 बरिस अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज सुबह शाम टीवी पर, मोबाइल पर, अखबार पर दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया गुजरात में विकास हुआ है और वहां पर फैक्ट्री चल रही है, बिहार के बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो कौना बात पर वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो बड़ा चिल्ला कर कह रहे थे नहीं मिला, अब हम गिनवा रहे हैं। तो भैया जिस काम के लिए वोट दिए हैं, आप वोट दिए अनाज के लिए, आप अनाज आपको मिल रहा है, वोट दिए मंदिर के लिए तो मंदिर बन रहा है, वोट दिए सिलेंडर के लिए तो सिलेंडर मिल गया, वोट दिए जात के नाम पर तो जात का चर्चा हो रहा है, यही बताने के लिए घूम रहे। बोलिएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा, वोट दीजिएगा जात पर तो बच्चों के लिए रोजगार कहां से पाइएगा, यही बात बताने के लिए घूम रहे। इतना आदमी आप क्या बोले हैं कि ना भैया हम लोग जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जौना चीज पर वोटे नहीं दिए तो काहे के लिए हल्ला मचा रहे? बिहार के आदमी को 5 बरिस ये बतियाना है, ए भैया कितना भ्रष्टाचार है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, सड़क नाली गली का हालत खराब है, घर में पीने का पानी नहीं है, 2000 का धान 1500 में आप बेचे हैं, 277 का यूरिया 500 में खरीदे हैं, दाखिल फाइल में 12-15 हजार रुपया लग रहा है, ये सब बात आपको मालूम है, लेकिन कल वोट होगा तो ये सब बात भूला जाएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को खाली 4 गो बात पूछाता है। पहला बात, हमारा जात क्या है, कौन हमारा जात का नेता खड़ा है? नेता चोर है, बदमाश है, डकैत है, अपने जात का है तो उसी को जाकर बटन दबाइएगा, जो जात से बच जाइएगा तो धर्म में फंसिएगा। चुनाव के 10 दिन पहले हल्ला होगा, सब हिंदू एक हो जाइए, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए, पुलवामा हो गया, अपना बच्चा बेरोजगार बैठा है, अब पुलवामा के नाम पर जाके वोट दिए, दोनों से बच गए। तो तीसरा, यहाँ लोग है जो कहता है लालू का राज लौटना नहीं चाहिए, कुछ हो जाए बड़ा अपराध था, दो रोटी कम खाएंगे लेकिन लालू जी का राज नहीं लौटना चाहिए। वोट के 2 दिन पहले तक भाजपा के विधायक सांसद को आप गाली देते हैं, आप वोट के दिन कहिएगा कि कुछ हो भैया लॉन्टेन से बढ़िया तो ये है, चलो भाजपे को दो। अच्छा भाई, यहाँ मुसलमान लोग है, इन लोग का बड़ा दुर्दशा है, मुसलमान का हालत सबसे ज्यादा खराब है, इन लोग का कहना है कि भैया जिए चाहे मर जाए भाजपा को वोट नहीं देंगे, भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो बिहार में बचा को, बिहार में तो भाई दो ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा और एक लालू जी का लॉन्टेन। नीतीश कुमार का तो पते नहीं है कि कितना देर लॉन्टेन पर लटकेंगे, बेचारे उछल के कमल पर तबक पैरने लगे। जो मुसलमान है वो कहता है कि भाजपा को दे नहीं सकते हैं, भाई लॉन्टेन है इसी में किरासत बेल बन के चलेंगे। ईमानदारी से बताइए, इसी 4 चीज पर वोट दिए हैं, काहे के लिए बड़का बड़का बात करते हैं? अरे बिहार के आदमी को सुधारना नहीं है, आपको शिक्षा रोजगार नहीं चाहिए, आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है। यहाँ आप कितने आदमी आए हैं, कितना आप बड़ा झूठ बोलने वाले हैं, अभी आपको दिखाते हैं। सब आदमी जरा सोच के बताइए, अगर आप अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई आपके बच्चों का चिंता करेगा भाई, करेगा? तो यहाँ आप लोग आए हैं, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है, सबको बताना है कि नहीं है? है ना? देखिए भरा दोपहरी में अभी हम आपके गाँव में आए हैं, रास्ता में 200 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है, अभी विद्यालय का टाइम है, कोई बच्चा विद्यालय में नहीं है, सब रोड पर घूम रहा है, लेकिन यहाँ बैठे किसी आदमी को उसका चिंता नहीं है, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है किसी को इसका चिंता नहीं है। हाथ उठाकर कह रहे हैं कि हमको बच्चे का बड़ा चिंता है, आपको किसी को अपने बच्चों की चिंता नहीं है। अगर चिंता होता तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों के हाथ से किताब कॉपी लेकर खिचड़ी वाला प्लेट पकड़ा दिया, जिन नेताओं के भ्रष्टाचार से सब फैक्ट्री बंद, रोजगार बंद, आपके बच्चे मजदूर बन गए, उसी नेता को जात और धर्म के नाम पर आप जाकर वोट देते हैं, आपसे बड़ा गुनाहगार कौन आदमी? बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। हम जिस गांव में गए, 4000 गांव में हम गए, यहाँ 4 गो मुखिया लोग बैठा है, जिस गांव में हम गए लोगों ने कहा हे भैया मुखिया जी कामें नहीं करते, मुखिया जी हम लोग के बड़ा चोरी कर रहे हैं,
मुखिया विधायक बड़ा चोरी कर रहा, नाली गली नहीं बन रहे, राशन कार्ड नहीं मिला, इंदिरा आवास तो मिले नहीं रहा है, मिलेगा तो 25,000-30,000 घूस लगेगा। जरा याद कीजिए, मुखिया को गाली देने से पहले, विधायक को गाली देने से पहले जरा याद कीजिए, 2 बरस पहले मुखिया का चुनाव था, चुनाव हुआ तो 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे, मुर्गा भात खाकर वोट दिए, दूध को पाउच पर वोट का सौदा किए, आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। बिहार के लोगों का इतना दुर्दशा।